नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे आखिर कब सुधरेंगे हॉस्पिटल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि एमपी के कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी है, वहीं यूपी में भी ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं और ऑक्सीजन के दाम आसमान छू रहे हैं। क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने, हम आपको दिखाते हैं। कोरोना के ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पेंडेमिक के पहले जो कीमत थी ऑक्सीजन की 10 रुपया क्यूबिक मीटर, अब बढ़ के 50 रुपये क्यूबिक मीटर हो गई है। सीलिंग जो फिक्स की गई थी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने, उसने कहा था कि टू ए मैक्सिमम ऑफ 17 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स से आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो और भी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय। साथ में मध्य प्रदेश के देवास जिले में 4 पेशेंट्स की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। और इसी प्रकार से देवास, जबलपुर, छिंदवाड़ा और दमोह में ऑक्सीजन नहीं है और पेशेंट्स मरने की कगार पर है। यूपी में जो छोटा सिलेंडर आता था 130 रुपए में, अब बिक रहा है 350 रुपए में। इसी साथ में सिक्योरिटी अमाउंट जो सिलेंडर्स के लिए जाता था 5000 रुपए, उसे बढ़ाकर कर दिया गया 10000 रुपए। गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी के राज में 1 लीटर की कीमत 8.50 रुपए से बढ़ के 28 से 25 रुपए तक पहुंच गई है। फरुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की पोल खुली, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां प्रसूता और नवजात को डिलीवरी के बाद जमीन पर लिटा दिया गया। इतना ही नहीं, एएनएम अनीता ने डिलीवरी के नाम पर प्रसूता के परिजनों से 600 रुपए मांगे और रुपए मिल जाने के बाद भी अस्पताल परिसर से बाहर लिटा दिया। डिलीवरी के बाद सीएससी में इस गरीब महिला को एक चारपाई तक नहीं मिल सकी, जिस कारण प्रसूता और नवजात गेट के बाहर ही जमीन पर लेटने को मजबूर है। तस्वीरें फरुखाबाद की हैं। तो कोरोना अस्पतालों में लापरवाही चरम पर है, अधिकारी कार्रवाई में जुटे हैं, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ छोटे अस्पतालों तक ही सीमित रह गई है। जिलाधिकारी ने कल निरीक्षण के बाद भी सुधार न लाने पर आज स्थानीय ज्यूस हॉस्पिटल में ताला लगा दिया। यहां पर आरोप था कि हॉस्पिटल में एनेथेटिक्स नहीं था, लेकिन इसके दूसरी ओर एजेंसी और रामा जैसे बड़े अस्पतालों में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जाँच की जा रही है। चाहे कानपुर का रीजेंसी हो या फिर राजधानी लखनऊ का TMU, इनमें लापरवाही के बाद अब सिर्फ जांच ही चल रही है। कानपुर एजेंसी में तो हद हो गई है, जब एक कोरोना मरीज के घर वालों से 14 लाख रुपए वसूल लिए गए और घर वालों को शव तक नहीं दिया गया, इसके बाद फिर शुरू हो गया जांचों का दौर। इन्हीं सब बातों को देखकर आम जनता के मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि छोटे अस्पतालों पर तो शासन प्रशासन गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आखिर इन बड़े खाग अस्पतालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई कब होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर द्वारा जूस हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया। कल दिनांक 12 सितंबर 2020 को यहां 3 मौतें हुई थी, जिसके दृष्टिगत आज जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एक भी एनेथेटिक्स नहीं था, ये अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है। इसके कारण अस्पताल का कोविड फैसिलिटीज रजिस्ट्रेशन रद्द करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए गए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जब तक यहाँ भर्ती मरीजों को अन्य दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर दिया जाए, तब तक सभी मरीज की देख रेख कानपुर की करने की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। यदि भर्ती मरीज को अब कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी जूस हॉस्पिटल प्रशासन की ही होगी। यहाँ पर कल 3 कोविड से रिलेटेड टेस्ट का रिपोर्ट हुआ था,
जो कि अत्यंत चिंताजनक है। छोटी सी फैसिलिटी के लिए 3 डेथ आना, यहाँ पर कुल आईसीयू स्टेटस में 7-8 मरीज हैं, एक दिन में 3 डेथ गैर जिम्मेदार आना बिहेवियर शो करता है। हम और सीएमओ साहब यहाँ पर सरप्राइज विजिट पर आए, यहाँ पर कोई भी एनेस्थेटिस्ट नहीं, एनेस्थेटिस्ट के बिना कोई भी एनेस्थेटिस्ट न होना और आईसीयू चलाना पूर्णतः अनएक्सेप्टेबल है। इस तरीके से कार चला रहे हैं ड्राइवर नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इनका कोविड रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है और पेशेंट शिफ्ट किया जा रहा है। इनको वार्निंग दी गई है, शिफ्ट करने वाले पेशेंट से कोई परेशानी हुई या कोई प्रॉब्लम हुई इसके खिलाफ फर्दर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कोरोना जैसी महामारी में जहां डॉक्टरों की हर जगह सम्मानित किया जा रहा है, वहीं कुछ चिकित्सक इस पेशे को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों के सामने आया जब उस वीडियो में इलाज कराने आए परिजनों की बच्ची के मृत होने पर चिकित्सक उनसे अमानवीय व्यवहार करते नजर आए। परिजनों को खामोशी से घर जाने को कह रहा है, नहीं तो पुलिस और गुंडों को बुलाने की धमकी दी जा रही है और जमीन में गाड़ने तक की बात की जा रही है। जानकारी के अनुसार परैया छतो निवासी जावेद वारसी के 8 साल की भांजी आसिफा बीमार थी और परिजन उसे इलाज के लिए 11 सितंबर को मधुबन रोड पर स्थित प्राइवेट नर्सिंग होम लेकर आए। अस्पताल स्टाफ ने उसे तत्काल भर्ती कर लिया और उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद आसिफा की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने रोना शुरू कर दिया। ये देख वहां मौजूद चिकित्सक डॉक्टर धीरज चंदेल ने परिजनों को धमकाना शुरू कर दिया और रकम जमा कर वहां से चुपचाप भाग जाने की सलाह दी। ऐसा ना करने पर डॉक्टर ने पुलिस बुलवा कर हवालात में भिजवाने की भी धमकी दे डाली। और उन्नाव में भी कोविड किट खरीद में बड़े खेल हो रहे हैं। अधिकतम 2,800 रुपए में खरीदी जाने वाली किट 4,000 रुपए से लेकर 9,000 तक में खरीदी जा रही है। चैनल में खबर चलने के बाद आला अधिकारियों ने खबर का संज्ञान लेते हुए सीडीओ की अध्यक्षता में मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं शासन ने भी मामले की जांच के लिए आज डीडी पंचायती राज को जनपद में भेजा था। डीडी पंचायती राज एके सिंह ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए बिना स्थलीय निरीक्षण के 2 घंटे ऑफिस में बैठे बैठे ही मामले की जांच कर दस्तावेज जांचे और सभी को क्लीन चिट दे दी। यही नहीं, जनपद में इस तरह के किसी भी घोटाला होने की बात को भी साफ तौर पर गलत बता दिया। जनपद में मुश्किल से 25-30% भुगतान हुआ, वो अभी जो भुगतान हुआ है मानक जो गवर्नमेंट का मानक है उसके तहत हुआ, वित्तीय नियमों के तहत हुआ। किसी प्रकार का कहीं कोई दमन नहीं किया गया, न तो किसी कर्मचारी या प्रधान द्वारा कोई अनियमितता आ गई है। यहाँ तक यहाँ तो असोहा में प्रधान और सचिवों ने पूरा दान दे दिया अपने पैसे से खरीद करके और ग्राम पंचायत को 85 मीटर और थर्मल स्कैनर दान दिया। और कोरोना वायरस जैसी महामारी की मुसीबत के बीच उत्तर प्रदेश में अब कोविड किट घोटाला हो गया है, जब 45 लाख से ज्यादा लोग इसके शिकार हो गए हैं, 76,000 से ज्यादा मौत के मुंह में समा गए हैं। कोरोना करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है, करोड़ों के काम बंद हो गए हैं। इस बीमारी के घर घर सर्वे के लिए सरकार ने कोरोना के सर्वे के लिए 2 पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर खरीदने के आदेश दिए, उसे जिलों में तय कीमत से 5 गुना ज्यादा दामों पर खरीदा गया। कोरोना वायरस जैसी महामारी की मुसीबत के बीच उत्तर प्रदेश में अब कोविड किट घोटाला हो गया है, जब 45 लाख से ज्यादा लोग इसके शिकार हो गए हैं, 76,000 से ज्यादा मौत के मुंह में समा गए और करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, करोड़ों के काम बंद हो गए। इस बीमारी के घर घर सर्वे के लिए सरकार ने कोरोना के सर्वे के लिए 2 पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर खरीदने के आदेश दिए, उसे जिलों में तय कीमत से 5-5 गुना ज्यादा दाम पर खरीद लिया गया। ग्राम पंचायतों में कोरोना किट की खरीद करके घर घर जाकर लोगों की जांच का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसके लिए कोरोना किट में पल्स ऑक्सीमीटर और IR थर्मामीटर की कीमत 2800 रुपए निर्धारित की गई। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना किट की खरीद में बड़ी धांधली देखने को मिली है। ग्राम पंचायतों में ये किट 8,000 रुपए में खरीदी गई, जिसकी भुगतान भी कर दिया गया। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में कुल 1,166 ग्राम पंचायतें हैं और सभी ग्राम पंचायतों में पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर
ग्राम प्रधान के द्वारा खरीदकर क्षेत्र के एएनएम और आशा बहुओं को दी जानी है। जिले की 100 ग्राम पंचायतों में कोरोना किट खरीद का भुगतान किया जा चुका है, जो कि निर्धारित मूल्य 2800 से बढ़कर 8000 पार कर दिया है, जिसका खुलासा एडीओ पंचायत की जांच में हुआ है। बता दें, पूरे प्रदेश में कोरोना किट खरीद की धांधली से हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं बाराबंकी में कोरोना किट खरीद में हुई धांधली को लेकर जिम्मेदार अधिकारी भुगतान को लेकर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बाराबंकी के जिला पंचायती राज अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि कोरोना किट की कीमत 2800 रुपए ही है और वो ग्राम पंचायत के द्वारा ही खरीदी गई है। अब तक 92 ग्राम पंचायतों में भुगतान किया गया, बाकी का भुगतान नहीं किया गया है। 1166 ग्राम पंचायतें हैं। थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर, इसका क्रय ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया गया है और 2800 रुपए में किया गया है। कितनी ग्राम पंचायतें हैं और अभी तक कितना भुगतान हुआ है इसका? अभी केवल 92 ग्राम पंचायतों भुगतान हुआ है और कहीं अभी भुगतान नहीं है। कुल जिले में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 1166। तो वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीकेएस चौहान ने जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि मैं सीएमओ यहां 1 सितंबर को ज्वाइन किया हूं, तो मेरे समय तो कोई खरीदी नहीं हुई। मेरे पूर्ववर्ती जहां तक मैंने ऑफिस से पता किया, उनके द्वारा भी कोई खरीद नहीं की गई। मेरे लिए ये सर्विलांस कोरोना किट जो ग्रामीण क्षेत्रों में DPRO एवं शहरी क्षेत्रों में EO नगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराया गया है और हमारे द्वारा केवल इसका प्रयोग हो रहा है, हमारा इसकी खरीद से कोई लेना देना नहीं। फिलहाल ग्राम पंचायतों में कोरोना किट की खरीद में हुई धांधली को लेकर कोई भी अधिकारी खुलकर कुछ भी बताने से कतराता नजर आ रहा है। तो वहीं प्रदेश के मुखिया सीएम योगी ने पूरे मामले में SIT जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 2800 की कोरोना किट 8000 में क्यों खरीदी गई। बुलंदशहर से इस बीच खबर, स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती तस्वीरें, वृद्ध दादी को ठेले पर लेकर पोता भटक रहा, सरकारी महिला अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है। ये खबर आपके सामने हम दिखा रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती तस्वीरें सामने। सुबह बोलेगा में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई, आप अंदाजा लगा लिया होगा कि आपने के सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं के हाल क्या है। कहीं पर PPP किट के नाम पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, कहीं पर अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, ये स्थिति है। और हमारे साथ अपूर्वा अलीगंज से इस वक्त दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपूर्वा अपनी बात को रखें। मैं पूर्वा शुक्ला बोल रही हूँ सेक्टर जैसे, और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ने सफाई कराने के लिए बोला था। हम क्या अभी तक लगभग 10 साल से नालियाँ नहीं साफ हुई हैं और उनके ऊपर अतिक्रमण लगा रखा है और अतिक्रमण हट नहीं रहा है, और हम लोग बहुत यहाँ पे परेशान है, बार बार शिकायत करते हैं और कम से कम 20-25 की शिकायत की जो मुख्यमंत्री जी का पोर्टल ऐप होता है उस पर शिकायत की, और तभी भी उनके जो नगर निगम के अधिकारी है वो बार बार बोलते हैं कि निस्तारित हो चुकी है, परंतु अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, ना कोई यहाँ पे आया है और नाली अभी तक साफ नहीं हुई है। अपूर्वा जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे, मैं चाहूंगा कि आप अपनी डिटेल और अपनी समस्या इस पे मैसेज करके भेजिए, हम आप तक मदद पहुंचाएंगे, कार्रवाई कराएंगे जिन लोगों ने नालियां नहीं साफ कर रहे हैं या जिन लोगों ने वहां पे अतिक्रमण कर रखा है। फिलहाल अपूर्वा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और हाथरस से एक दर्शक है, नाम वो नहीं बताना चाहते हैं, अपनी बात को रखें। मैं ये कह रहा हूँ, हाथरस से बोल रहा हूँ, हाथरस के CMO डॉक्टर ब्रजेश राठौर हैं, वो कोविड में ड्यूटी लगा देते हैं, ड्यूटी हटवाने के लिए 20,000 रुपए लेते हैं और किसी उनको स्लीपर को और उनको दवाई खिलवाते हैं, कोविड हॉस्पिटलों का पैसा लूट रहे हैं। और वहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वो ड्यूटी लगा देते हैं और फिर उनकी ड्यूटी हटा देते हैं, 20,000 रुपए में ड्यूटी हटा देते हैं। कोई डॉक्टर है वो दो दो महीने से ड्यूटी कर रहा है, कोई डॉक्टर ड्यूटी नहीं कर रहा है। मैं स्वास्थ्य विभाग से ही बोल रहा हूँ, वहाँ के जो स्लीपर है जी, शिकायत की है तो शिकायत के पैसे मांगते हैं, बोले आपको ड्यूटी करिए, आपने 20,000 रुपए दे दिए, मत करिए ड्यूटी। इस तरीके से व्यवहार हो रहा है, 5,000 रुपए में पल्स ऑक्सीमीटर खरीदे गए हैं। ठीक है।
ठीक है हाथरस से बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। समस्या हाथरस की बता रहे थे, किस तरह से सीएमओ 20,000 रुपए ले रहे हैं। नारायण लखनऊ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। नारायण जी अपनी बात को रखें। जी सर, मैं एक शिकायत करना चाहता था, एक जिला लखीमपुर खीरी मोमडी का एक तहसील का है, तो वहाँ पे मैंने तहसीलदार को कई और एसडीएम को एप्लीकेशन दी, हमारे जो बहनोई के एयरफोर्स में दारंग ऑफिसर वो खत्म हो गए, डीसी 65 साल उम्र है, और तहसीलदार ने पहले सुलह कराई, बोले तुम्हारा तुमको 40,000 रुपए देंगे। जब वादा हुआ लेने के तो तहसीलदार कह रहे नहीं दिखाएंगे, जिस करना आप कर लीजिए। ठीक है नारायण, मैं चाहूंगा कि आप अपनी समस्या को हमें जो हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप मैसेज करिए, हम आप तक अपने संवाददाता के जरिए मदद पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नारायण हमसे जुड़ने के लिए। नीरज लखनऊ से इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी अपनी बात को रखें। अरे जी, सबसे बड़ी समस्या मैं 15-20 दिन से चीजें देख रहा हूँ, बराबर आप टीवी पे दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें तो इम्प्लीमेंटेशन तो होता ही नहीं है। दुलिया जी भी आगे बैठ जाते बताते हैं, गवर्नमेंट तो बैठे बैठे सो रही है। ये फोटो हमें लखनऊ में रोज देखता, केजीएमसी में जाइए पता नहीं कितने पड़े रहते हैं, मरीजों को इलाज नहीं मिलता। पीजीआई में जाइए वही हाल है, बलरामपुर में वही हाल है, गवर्नमेंट कह रही है हम 1.5-2 लाख की जांचें कर रहे हैं, कहाँ जांचें कर रहे हैं, कहाँ दिख रही जाते हैं। एक ही फैमिली के 15 लोगों की जांच हुई है, एक गांव में पता चला 15 में 2 के सैंपल है, बाकी 13 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई अपने आप। सही कह रहे नीरज जी, अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं और इसीलिए हम व्यवस्थाओं की तस्वीरें आपके सामने और दुनिया के देश के सामने रखते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जो खबर दिखाते हैं उस पर कार्रवाई होती है, बहुत जगहों पर कार्रवाई भी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तमाम दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं हमसे, अपनी बात को रख रहे हैं, जो समस्याएं वो देख रहे हैं वो समस्याओं को भी हमसे साझा कर रहे हैं। और भी दर्शक जुड़े जो जिनकी समस्याएं कुछ और थी, मैं उनसे यही कहूंगा कि जो नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं इस पर अपनी समस्या को हमें भेजें और हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपकी समस्या को सुनेंगे, उसका समाधान भी आपको देंगे। फिलहाल हमारे साथ अनिल मीणा हमारे संवाददाता बुलंदशहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बुलंदशहर की बात की जाए तो वहाँ पर किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं आप देख रहे हैं, क्या तस्वीर है बुलंदशहर में, अनिल बताएं। अरे मैं आपको बताऊंगा, जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर की हालत स्वास्थ्य विभाग की इस वक्त बहुत ही ज्यादा बेहद खराब है। अगर देखिए, अभी 2 दिन पहले ही हमने एक चैनल के माध्यम से हमने खबर दिखाई थी, जो एक पोता अपनी दादी 70 वर्ष से दादी को लेकर जिस तरह दर दर भटकता है ठेली पर लेकर, लेकिन उसको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती है। लेकिन उसको छोड़ते हुए भी 2 दिन पहले की हम कोविड की बात करते हैं, तो एक परिवारजनों ने आरोप कोविड अस्पताल पर भी आरोप लगाए कि एक मलेरिया और टाइफाइड के मरीज को कोरोना पॉजिटिव बना दिया जाता है और उसे आइसोलेशन में शिफ्ट कर दिया जाता है, और उसकी उसी वक्त दूसरे दिन ही उसकी मौत हो जाती है। जब उसके परिवार वाले वहाँ हंगामा करते हैं कोविड हॉस्पिटल के सामने, तो वहाँ उसको देखते हुए काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और स्वास्थ्य विभाग, लेकिन उसी वक्त सीएमओ आते हैं, सीएमओ से जब शिकायत करते हैं और जब मीडिया के द्वारा सीएमओ से बात की जाती है, तो सीएमओ कहते हैं कि हम जांच कराएंगे, जांच कराने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और वहाँ परिवार के लोगों का साफ साफ कहना है कि मलेरिया और टाइफाइड के मरीज को आइसोलेशन में भर्ती कर दिया, जबकि कोरोना उसको था ही नहीं, लेकिन उसके लोगों का उनके परिवारजनों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की इस तरह लापरवाही सामने आ रही है कि जो एक अच्छे व्यक्ति को भी जबरदस्ती कोरोना कर रहे हैं, और जब कोई शिकायत की जाती है स्वास्थ्य विभाग के तो आगे कार्रवाई क्यों नहीं होती है। सीएमओ ने जांच की बात अनिल आपसे कही, क्या जांच हुई, क्या निकला उसमें? मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें तो परिवारजनों का कहना है कि हमारे भाई की जांच भी करी गई, लेकिन उसको कोरोना भी नहीं था, ले और टाइफाइड और मलेरिया का मरीज होते हुए उसको टाइफाइड और मलेरिया की दवा नहीं दी जाती है, जिससे उसकी 2 दिन पहले मौत हो जाती है। और सीएमओ से जब उसकी शिकायत की जाती है, मीडिया उनसे सवाल करते हैं कि सर जिस तरह से लापरवाही की जा रही है, तो अभी परिवारजनों ने आरोप लगाया है कि कोविड हॉस्पिटल में लापरवाही काफी हद तक हो रही है, तो सीएमओ एक अपना पल्ला झाड़ते हैं कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आखिर कार्रवाई कब होगी? दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जांच के नाम पर ही अधिकारी अपने आप को बचाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग के ऊपर लाखों और काफी पैसे खर्च कर रही है, तो आयकर सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही है गरीबों को, मरीजों को आयकर सुविधाओं के नाम पर पैसा कहाँ जा रहा है? सही कह रहे हैं अनिल के सुविधाओं के नाम पर आखिर पैसा ये कहाँ जा रहा है?
बड़े पैमाने पर हम ये देख रहे हैं सूबे में कि आपदा को अवसर में तब्दील किया गया है। कहीं पर ऑक्सीमीटर और तमाम चीज़ों में, मास्क में जो है 5-5 गुने ज़्यादा दामों पे ये तमाम चीज़ें खरीदी जा रही हैं और जेब जो है वो भरी जा रही है, लेकिन कार्रवाई होता नज़र नहीं आ रही है। वहीं पर कोविड अस्पतालों की हालत भी बद से बदतर होती जा रही है, जैसा कि अनिल मीणा तस्वीर बता रहे हैं कि बीमारी कुछ है और उसके अलावा भी पॉजिटिव कर दिया जा रहा है। ऋषि सेंगर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ऋषि, क्या जानकारी है आपके पास? यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा जो है पूरी तरह पटरी पर उतर चुकी है। कोई प्रसूतक साथ पहली घटना नहीं घटी, 1.5 महीना में चौथी घटना हुई। कभी महिलाओं के लिए घोड़ा गाड़ी, कभी बैलगाड़ी, एम्बुलेंस बनती है, एम्बुलेंस फोन किया जाता है, प्रसूतक के लिए एम्बुलेंस समय से नहीं पहुँचती है और अधिकारी हमेशा ये कहते हैं जाँच कराई जा रही है, जाँच पूरी कभी होती नहीं है उनकी। जाँच कराने का कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इस मामले में भी जो कमालगंज में घटना हुई है इसमें भी ठीक है। राम कानपुर से मैं आऊंगा ऋषि सेंगर आपके पास। राम कानपुर से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। राम, अपनी बात को रखें। ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे अपना कोविड के बारे में बात करें, ठीक है, तो कोविड के लिए जैसे कानपुर मेरठ हॉस्पिटल है, यहाँ पे 1500 रुपए चार्ज कर रहे हैं और मैं इससे वो तो मेरे पास पैसे ही नहीं, कहाँ से अपना इलाज करा ले। और उसके बाद में जब कोविड अगर किसी को होता है तो होम क्वारंटाइन की बात करते हैं, मान लीजिए होम क्वारंटाइन में घर में बच्चा है, वो अपना आदमी कब तक इसको संभाल सकता है? होम क्वारंटाइन हमारे साथ भी एक दो बंदे हैं जिसमें कि उनकी उनके वजह से 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए उनके परिवार में। अगर इस तरह से चलेगा तो फिर आगे कैसे काम करेगा? मेडिसिन आने से रही, गवर्नमेंट तो कहती है मेडिसिन बना रहा, मेडिसिन तो दे ही नहीं रही है। वही पैरासिटामॉल, वही सिट्रीजिन, वही रोलो, उसके अलावा तो हाईलाइट अस्पताल में कोई दवाई नहीं है। ठीक है, ठीक है राम, बहुत बहुत शुक्रिया। राम भी देखे कानपुर से एक दर्शक, जागरूक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे जो व्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि हर जगह पर जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो एक ही व्यथा बता रहे हैं, सबके सब ज्यादातर बड़ी तादाद में लोग परेशान हैं। ऋषि सेंगर भी हमारे साथ जुड़े हुए। ऋषि, अपनी बात को पूरा करें। तो सर यहाँ पर जो है जांच के नाम पर केवल पल्ला झाड़ लेते हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। आज तक कोई किसी मामले में जांच नहीं हुई, ये चौथी घटना हुई है जो प्रसूता के साथ लापरवाही हुई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और लगातार लापरवाही हो रही है, इसी वजह से अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। प्रसूता को क्या अब बेड मिला है? क्या अभी भी प्रसूता अस्पताल के बाहर है? क्या अब तक खबर जब चली है, जब उसको प्रमुखता से दिखाया गया, क्या अब किसी पर कोई कार्रवाई हुई है? कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी हैं सोमेन सिंह, उनका कहना है कि पैसे लेने की जो बात सामने आई है उसकी जांच कराई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। प्रसूता फिलहाल अपने घर चली गई है अभी। ठीक है, जलीस लखनऊ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। जलीस, अपनी बात को रखें। जी सर, मैं हमीरपुर से बोल रहा हूँ। जी माफ कीजिएगा, हमीरपुर से बोल रहे, बोलिए। जी सर, मैं हमीरपुर से बोल रहा हूँ। जहाँ तक कोविड-19 के यहाँ हमीरपुर में मरीजों का भी तो 1000 में नहीं पहुँचा, लेकिन जहाँ तक यहाँ के जो L1 L2 हॉस्पिटल है वहाँ लगातार प्रशासनिक अधिकारी विजिट करते हैं, उसके बावजूद भी खाने की जो प्रॉब्लम है, उनको जो खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी शिकायतें आ रही हैं। मरीजों को दाल सब्जी जो कुछ भी दिया जाता है, बड़े मतलब बहुत ही परेशानी में है वो। और जबकि कल ही डीएम ने विजिट भी किया था तो उनका भविष्य में अगर हुआ तो वो कार्रवाई की जाएगी। अगर एक इस प्रकार की एक आध कार्रवाई की अपेक्षा जो की जा रही है, कार्रवाई अमल में नहीं आ रही, तो कोई जरूरी नहीं कि एक फॉर्मल तरीके से लोग समझ रहे हैं चीज को, कह रहे बस कहा जाता है होता नहीं। और ये इसका टोटल प्रभाव पड़ रहा है कि कोविड के सस्पेक्टेड या ऐसे केस जो अभी क्लियर नहीं हुए हैं, पहले टेस्ट में वो आ गए हैं पॉजिटिव, उनके अंदर जो उनके शेल्टर्स बनाए गए हैं उसको लेके काफी परेशानी और भय का कारण बन रहा है। तो कम से कम इस पे जो भोजन के मामले में काफी शिकायतें हैं। और रही जहाँ तक दवाओं की, उनकी व्यवस्थाओं की, तो वो तो जैसे तैसे चल रहा है। यहाँ भी लोग, चूंकि लोग भी इसके लिए जिम्मेदार है, कोई फॉलो नहीं करते जो गाइडलाइंस है अनलॉक की, लेकिन कम से कम जो जिम्मेदार लोग हैं वो, जिनको खाने की जिम्मेदारी दी जा रही है उनको लॉक कर दिया जा रहा है, तो इस तरीके से उसका खाने का व्यवस्था तो सही होना ही चाहिए। सही कह रहे जलीस, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। उमेश जैन मेरठ से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। उमेश जैन जी बोलिए।
नमस्कार साहब जी। नमस्कार, बोलिए सर। ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटलों का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते हैं। 1600 रुपए टाइट के लिए मिलते हैं, इसमें वो 200 रुपए भी खर्च नहीं कर पाते हैं और लूटमार मचा रखी है। मरीज बेचारा मर रहा है, किसी भी तरह उसका सही इलाज नहीं हो रहा, कोई भी डॉक्टर ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। पैरामेडिकल स्टाफ CMO यदि शिकायत करते हैं तो वो सरकार देते हैं, तो कहते हैं जांच कराएंगे, जांच कभी पूरी नहीं होती है। इसलिए गवर्नमेंट को अपने प्रतिनिधि भेज कर दिखाना चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटलों में क्या धांधलीबाजी हो रही है, जिससे कोई भ्रष्टाचार और गरीब मरीज को कुछ लाभ मिल सकता है। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बात आ गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार दर्शक कॉल कर रहे हैं सूबे की तमाम जगहों से और अपनी बात को साफ तौर पर रख रहे हैं, अव्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं, अस्पतालों में खाना किस तरह का मिल रहा है, जो कोविड अस्पताल हैं उनके बारे में बता रहे हैं। कई जगहों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं जहाँ पर मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। और हमारे साथ इस वक्त भानु प्रताप सिंह बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व महामंत्री रहे हैं। भानु प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। जी जी नमस्कार। जी नमस्कार भानु प्रताप जी, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की समस्याएं आपको हुई और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 16 तारीख को सुबह 10:30 बजे मेरे सगे ताऊ जी 7 एयरपोर्ट हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गए कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से। इसके उपरांत मैंने जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की एथेंटिक एजेंसीज हैं, ACM फर्स्ट से लेके CMO, CMO से लेके कोविड इंचार्ज आलोक मिश्रा DM पाउंड, इसके बाद में कोविड टोल फ्री नंबर और पोस्टमार्टम हाउस के इंचार्ज नंदीप चौधरी साहब, सबसे मैंने एक एक करके बात की कि मुझे एम्बुलेंस चाहिए डेड बॉडी को भैरव घाट ले जाने के लिए। और मुझे पूरा 16 तारीख इंतजार कराया गया, 17 तारीख को मैंने बहुत प्रयास करने के उपरांत एयरफोर्स हॉस्पिटल वालों ने कहा कि प्राइवेट एम्बुलेंस बुला लीजिए, मैं बॉडी दे दूंगा। जब मैंने बुला लिया उसके बावजूद से डिफ्यूज कर दिया और उस प्राइवेट एम्बुलेंस वाले को भी फिर पेमेंट करना पड़ा। इसके बाद 16-17 तारीख की शाम को 6 बजे मुझे काशीराम से एक एम्बुलेंस अवेलेबल हुई, वो भी तब अवेलेबल हुई जब वो दूसरे पेशेंट के लिए अलर्ट थी, उसमें 2 डेड बॉडीज को लाया गया। और जब हम भगवतदास घाटे पहुंचे तो वहां पर टोटल 16 बॉडीज पहले से पेंडिंग थी। हमें बताया गया कि रात में 4 बजे आपका नंबर आएगा। इतनी अवस्था देखकर मन द्रवित हो गया, क्योंकि मेरे ताऊजी आर्मी से रिटायर्ड थे, उन्होंने 62 और 65 के वार भी लड़े थे और ऐसे भूतपूर्व सैनिक को इस तरीके का अव्यवस्थित क्रिमिनेशन मैंने आज तक उम्मीद नहीं की थी जो मैंने वहां पर देखा। जी भानु प्रताप और... जी भानु प्रताप जी, आपने 16-17 तारीख का जिक्र किया, इस दौरान जब आप अधिकारियों से बात कर रहे थे, जब आप टोल फ्री नंबर पे बात कर रहे थे, तो वहां से क्या बात कही जा रही थी, ये अधिकारी लोग क्या कह रहे थे आपसे? हर व्यक्ति ये कह रहा था कि सिंह साहब बस वेट करिए, मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ आधे घंटे में। हर आदमी इतना ही मैसेज आश्वासन दे रहा था कि मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। लेकिन किसी भी सिंगल पर्सन ने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, किसी का पलट के फोन नहीं आया। 18 तारीख को जब मैंने FB पर ये पीड़ा लिखी तो जिस भी माध्यम से ये सूचना वहां तक पहुंची तो मुझे फिर टोल फ्री नंबर उत्तर प्रदेश लखनऊ से एक फोन आता है और मुझे कन्विंस किया जाता है कि सर 27 एम्बुलेंस UP के कानपुर शहर में है। मैंने देखा कि 27 एम्बुलेंस कहीं मुझे दिखाई नहीं पड़ी, बामुश्किल 7 से 8 एम्बुलेंस शहर में है जैसा मैंने देखा है और 27 एम्बुलेंस का हवाला दिया गया। जब 16 डेड बॉडीज थी अगर और 27 एम्बुलेंस अगर आपने छोड़ रखी है रोड पे तो फिर 11 एम्बुलेंस कहाँ चली गई थी? मुझे क्यों 28 से 30 घंटे इंतजार कराया गया? मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ी समस्या है। भानु प्रताप जी, टोल फ्री नंबर पे भी आपने कॉल किया, वहाँ पे क्या आपको कहा गया? यही कहा गया कि आपकी कंप्लेंट नोट कर ली गई, आपको अभी थोड़ी देर में जो है एम्बुलेंस अवेलेबल कराया जाती है। जबकि मेरे जैसा सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति अगर एक सामान्य सामाजिक सिविलियन से कहा जाए कि ACM का नंबर अवेलेबल करना है, उससे बात करनी है,
तो मुझे ऐसा लगता है जो मैंने यहाँ पीड़ा देखी है शहर में कि एक आदमी हो सकता है कि पूरे एक दिन में किसी एक एसीएम का नंबर कहीं किसी तरीके से अरेंज कर पाए। मैं ये तो मेरा सौभाग्य कि मैं लास्ट टाइम जनरल सेक्रेटरी था लास्ट ईयर, तो मेरे पास हर अधिकारी का नंबर था और मैं उनको कनेक्ट कर पा रहा था, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने प्रॉपर मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया और मुझे किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिली। बहुत ही ज्यादा मन दुखी है, हर तरीके का सहयोग करता हूँ कोविड काल में, पीएम फंड में, कानपुर बाहर के फंड में, पीड़ित व्यक्तियों के लिए मैंने फंड भी डोनेट किया, लेकिन एक मरीज को सही से क्रिमिनेशन ना हो पाए। हिंदू मैथोलॉजी में सूर्यास्त के बाद में क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, यहाँ रात भर लोगों के क्रिमिनेशन हो रहे थे, उसको मैं किस शब्दों में बयां करूं, मुझे मेरे पास शब्द नहीं है। भानु प्रताप जी, अब हम जानना चाहेंगे आपका, आप क्या एक्शन लेंगे इन तमाम लोगों पर जिस तरह की अव्यवस्था फैली हुई है, आपको एक तरह एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, क्या कदम होगा आपका? मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को इससे जरूर अवगत कराऊंगा कि कानपुर शहर का प्रशासन किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री के अकेले कह देने भर से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी का पेपर में रोज एक आर्टिकल बड़ा सा एड छपता है, एफएम पर हर घंटे बताया जाता है कि इतने बेड मुहैया है, इतना फ्री आपका इलाज मुहैया है, लेकिन मुझे ऐसा ग्राउंड लेवल पर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता, कहीं भी मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके की सुविधाएं हैं। यहाँ का प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार को गुमराह करता है और झूठी रिपोर्ट देता है, ऐसा मेरा अपना पर्सनल मानना है। भानु प्रताप जी, जहाँ पर आप एम्बुलेंस का जिक्र कर रहे हैं कि इतनी तादाद में चल रही है लेकिन एम्बुलेंस लोगों को मिल नहीं पा रही है, बहुत बड़ी जिसे कह सकते हैं जो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से कानपुर में खासकर या सूबे की बात करें चरमरा चुकी है, क्या कानपुर शहर के डीएम से इस मामले को लेकर आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? मैंने डीएम कानपुर नगर से मैं परसों 18 तारीख को मैं मिला कानपुर डीएम साहब से, तो कानपुर डीएम साहब ने यही कहा कि सर संख्या ज्यादा है और पेशेंट अधिक हैं, संसाधन कम हैं और जितना हो सकता है हमारी तरफ से एफर्ट किए जा रहे हैं, अब इससे अधिक हम क्या कर सकते हैं। ठीक है भानु प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो भानु प्रताप सिंह जी को साफ तौर पर आपने सुना होगा, बार एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, कानपुर शहर की हकीकत दिखा रहे हैं। कल आपको बता दें कोरोना से कानपुर शहर में 14 लोगों की मौत हुई है और उन सब के बीच हम ये देख रहे हैं। मोहम्मद खालिद एक इस बीच मैनपुरी से एक दर्शक हमारे साथ हैं। मोहम्मद खालिद, अपनी बात को रखें। मोहम्मद खालिद जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, टीवी की तरफ मुखातिब ना होइए, जल्दी से अपनी बात को रखें। ठीक है, ठीक। सुनील गोंडा से इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ, सुनील अपनी बात को रखें जल्दी से। जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि एम्बुलेंस पे तो अभी आपके चैनल पर जिक्र हो ही रहा था, मैं मनका मुतासिर क्षेत्र के हतिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करूंगा। यहाँ मतगणा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, बुक्कटपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य, यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम फेल है सर। यहाँ पे एम्बुलेंस एक अभी जल्दी ही एक हफ्ता पहले एक घटना हो जाती है, एक औरत घायल लेती है, उसको एम्बुलेंस आने में कम से कम एक घंटा लग गया सर। और इसी तरह स्वास्थ्य व्यवस्था जो यहाँ के है, यहाँ के जो जिम्मेदार डॉक्टर है या स्वास्थ्य कर्मी है, ये पल्ला अपना झाड़े रहते हैं। रात को पहुंच जाइए तो वहाँ इलाज नहीं होता है, यदि आप वहाँ पर इलाज कराने जाते भी कोई गरीब आदमी जाता है वहाँ पर डॉक्टर को दिखाता है लेकिन अंदर से दवा नहीं दी जाती है, बाहर की दवा लिखा जाता है, जो डॉक्टरों का पूरा सेटिंग होता है। आदमी एक गरीब आदमी जो होता है वो सरकारी अस्पताल में इसलिए जाता है सर कि वहाँ पर हमको सस्ती दवा मिल जाएगी, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं बाहर के डॉक्टरों से सेटिंग होती है। आप देखेंगे तो हर अस्पताल के बाहर जो सरकारी अस्पताल है वहाँ के बाहर पूरा प्राइवेट डॉक्टरों की जो मेडिकल स्टोर होती है भरमार है, उन्हीं से सेटिंग होती है, वहाँ पर लिखा जाता है। चाहे छपिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या पवन ज्योत का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र है। और रही बात सर, सरकार ने स्वास्थ्य जो ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य थी उसको बेहतर बनाने का काम किया था कि ग्रामीण क्षेत्र में तमाम उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया था सर, लेकिन अब हम दोस्तों देख रहे हैं उप स्वास्थ्य केंद्र को कि वो जर्जर हो चुका है, वहाँ ना कोई डॉक्टर बैठता है ना ग्रामीण लोग इलाज कर पा रहे हैं, लेकिन जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक होते हैं वो लोग वहाँ पर उसकी उप स्वास्थ्य केंद्र की देखभाल के नाम पर लाखों रुपया निकाल लेते हैं, जो एक भ्रष्टाचार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपने देखा गोंडा से दर्शक जुड़े हुए थे,
जो किस तरह से भ्रष्टाचार का पूरा सिस्टम गोंडा में फैला हुआ है उसकी बात कर रहे थे, और सीएमओ इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए कुछ करने को तैयार। निशांत निशांत एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं, निशांत उत्तराखंड से, निशांत अपनी बात को रखें। निशांत क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मोहम्मद अदब मैनपुरी से इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ, मोहम्मद अदब जल्दी से अपनी बात को रखिए। जी बोलिए मोहम्मद अदब, क्या कहना चाहेंगे आप? मोहम्मद अदब क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए मोहम्मद अदब। जब भी आप कॉल करिए एक चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए कि टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए, आप अपनी बात रखिए ताकि कि हम आपकी आवाज जहां तक पहुंचाना चाहते हैं वहां तक जरूर पहुंचे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D-Pharma, B-Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971-496-497 or visit the campus, Kanpur Lucknow Highway, near Unnao. GGS Education Group. खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कब सुधरेगा ये हॉस्पिटल और कब सुधरेगा ये सिस्टम, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ भानु प्रताप जुड़े, जिन्होंने शहर की तस्वीर बताई, कानपुर में जो हेल्पलाइन नंबर है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, एम्बुलेंस मिल नहीं पा रही है, और इन सब के बीच तमाम जगहों से जलीस हो या अहमद हो या उमेश हो, तमाम लोग अपनी बात रख रहे हैं, अपनी जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल संजय कानपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ, संजय अपनी बात को जल्दी से रखें। सर मैंने जो है सारी शिकायतें और व्हाट्सएप पर आपके पास भेजी हैं जहाँ जहाँ दर्ज की हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं जो है आपको बताया था कि मैं हर जगह शिकायत कर चुका हूँ, हर जगह पहुँच गया भी था, और जहाँ नहीं जा पाया वहाँ मैंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन सर जो है आप जो है थोड़ा सा मेरा देखिएगा, जो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं लग पा रहा है। जरूर संजय, हम टीम से बात करते हैं और आपके पास हम कॉल करते हैं आपके मामले को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे जुड़ने के लिए। बलबीर कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ हैं, बलबीर अपनी बात को रखें। नमस्कार जी, बोलिए बलबीर जी, क्या कहना चाहेंगे? इस समय हिंदुस्तान हो या उत्तर प्रदेश हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अपने में ही अस्वस्थ है। किसी भी अस्पताल में हो या किसी भी बड़े सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल हो, अस्पताल स्वयं में एक बीमार स्थान है। यदि स्थान ही बीमार होगा तो वहाँ बीमार मरीजों का उपचार कैसे होगा? न वहाँ पे कोई उपकरण है, न वहाँ पे कोई डॉक्टर है, न वहाँ पे दवाई है। और हमारे यहाँ का जो
पॉपुलेशन है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रेशो है उसमें कई गुना है। वर्तमान में हमारे यहाँ पे कोरोना महामारी के कारण प्रत्येक जगह के अस्पतालों की स्थिति इस कदर भयावह हो चुकी है कि मरीज खुद में मरीज अस्पताल के पास जा रहा है और इसको कोई देखने वाला नहीं। अस्पतालों में न तो स्टाफ है, न तो दवाई है, इधर न तो बिजली रहती है, न उनके पास संसाधन है, लेकिन भेड़ बकरों जानवरों की तरह इंसानों का इलाज किया जाता है और कोई भी सिस्टम, सब लोग सिस्टम को दोष देते हैं और खुद सुधरने का नाम नहीं लेते। हमारे देश में जिस तरह की जनसंख्या है उसके अनुपात में हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अपने आप में अस्वस्थ है और ऐसी दशा में मरीज का उपचार होना असंभव है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय ने अपनी बात रखी, सूबे के जो अस्पताल हैं, जो अस्पताल हैं उनको, उनके बारे में साफ तौर पे उन्होंने बताया कि अस्पताल खुद ही मरीज बन चुके हैं। तो ये कहाँ, यहाँ पे मरीज कैसे ठीक होंगे, ये तस्वीर बता रहे थे। फिलहाल इस बीच हम आपको ये बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने आखिर क्या कुछ कहा है, हम आपको दिखाते हैं। हमें जैसे ही कोई लक्षण आए हमें अपने आप को अपनी जांच करवानी है। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है। कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी जांच की व्यवस्था है जहां की आप भुगतान के आधार पर जांच करवा सकते हैं, लेकिन ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी जनपद में अगर आप हैं, अगर आपको संक्रमण हुआ है तो आपको कोई जो कोविड कमांड सेंटर है या कोई भी सरकारी चिकित्सा विभाग का अधिकारी है आपको ये नहीं कह सकता कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भर्ती होइए। सरकारी व्यवस्था में आपका हमेशा स्वागत है। अगर आप अपनी इच्छा से जाना चाहते होंगे तभी आप वहाँ जाएंगे, अन्यथा भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार के द्वारा जाँच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क करवाई गई है, चाहे उसमें महंगी दवाएँ लगें चाहे उसमें महंगे उपकरण लगे, वो सब बिल्कुल निशुल्क है। तो अमित मोहन जी को साफ तौर पे आप सुन रहे थे जहां पर निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं, और एक तरफ भानु प्रताप जैसे लोग हैं जहां वो टोल फ्री नंबर पे फोन कर रहे हैं तो कोई उठाने को तैयार नहीं है, आधे घंटे का लोग वक्त दे रहे हैं, एम्बुलेंस पहुंच नहीं पा रही है, ये भी स्थिति है। फिलहाल हमारे साथ मोहम्मद अदब एक बार मैनपुरी से फिर हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद अदब बोलिए। ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अदब हमारे साथ जुड़ने के लिए। परवेज हमारे साथ, डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सुबह बोलेगा कार्यक्रम में। परवेज बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। संक्रमण के मामले लगातार परवेज बढ़ते जा रहे हैं तमाम जगहों की बात की जाए, कानपुर में भी कल की बात करें तो 14 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इस बीच हम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तमाम दर्शक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हकीकत बता रहे हैं। फिलहाल परवेज क्या कहेंगे सबसे पहले आप? जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना तो बहुत फैला हुआ है, पर सरकार भी बहुत अच्छी तरह से तैयारी में जुटी हुई है और उसी परेशानी से मरीज हमारे पास जल्दी आना चाहिए। अगर मरीज हमारे पास जल्दी आते तो उसके इलाज हो सकता है और जान बिल्कुल जा रही है वो बच सकती है। जब मरीज लेट आते हैं, जब लंग्स ऑलरेडी डैमेज हो चुके होते हैं, तो कोई भी आप दवा कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार उसके लिए महंगी दवाइयां दे रही है, सरकार ने इतनी अच्छी फैसिलिटी कर रखी है, लेकिन मरीज को जल्दी आना है। जैसे ही उनको लक्षण लगे उनको अपने जांच करानी है और जल्द से जल्द हॉस्पिटल में आना है। परवेज आप ये भी देख रहे हैं, अभी एक हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए थे भानु प्रताप, वो बता रहे हैं कि एम्बुलेंस सेवाओं पे वो फोन कर रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, तमाम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। क्या जमीनी स्तर पर स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है जिसके बारे में सही जानकारी लोगों को नहीं मिल पा रही? परवेज अस्पतालों के हालात को लेकर एक बात तो मैं कहूंगा कि देखिए, नो डाउट कि हम लोग इस आपदा के लिए हम लोग तैयार नहीं थे। एक साल पहले बोलेंगे तो एक साल पहले कोई ऐसा सोच नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होगा हिंदुस्तान में। तो के लिए हम लोग जितनी पॉसिबल हो सकती है, सरकार और इंडिविजुअल सब लोग मिलकर तैयारी कर रहे हैं। कुछ छोटी प्रॉब्लम है एम्बुलेंस की और, लेकिन एक बार वो हॉस्पिटल किसी तरह पहुंच जाते हैं
देखिए तो ऐसा कभी नहीं होता है कि उनको हॉस्पिटल के पैसे की वजह से या किसी और उनको ट्रीटमेंट दे रहे आता है और उनके बहुत ही महंगे सरकार उसको मुफ्त दे रही है पेशेंट को, लेकिन वो अब ये सही करेंगे हम नहीं करेंगे, कोई दिक्कतें नहीं है, दिक्कतें हैं और उसको सोल्यूशन भी सरकार ढूंढ रही है और हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, छोटी मोटी दिक्कतें हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने कोई काम हो ही नहीं रहा। लेकिन लेकिन परवेज इसके बारे में भी मैं चाहूंगा क्योंकि तमाम देश आपको इस वक्त सुन रहा है, कानपुर जीएसवीएम में आप हैं, जो लोग कानपुर के अंदर दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं उनके लिए अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि कि उन्हें समस्या ना हो, उन्हें सही टाइम पे इलाज मिल सके, इसके बारे में थोड़ा सा परवेज बताएं। एक तो टेलीमेडिसिन उन्होंने स्टार्ट कर रखा है हमारे जीएसबी मेडिकल कॉलेज हैलेट हॉस्पिटल में, जिसमें एक लाइन फोन लाइन नंबर दिया जाता है जिसमें वो आपको हर जगह एडवर्टाइज कर दिया गया है सभी डिपार्टमेंट का, जैसे आई डिपार्टमेंट का मैं हेड हूं तो उसका भी होता है एक टेली नंबर दिया गया है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में, जिसमें अगर कोई भी दिक्कत हो आप जो ओपीडी आवर्स है उसमें आप उसमें कॉल कर सकते हैं, और कॉल में सुनने के बाद बहुत सारी चीजें तो फोन में ही आप उसको आप बता दो एडवाइस कर सकते हैं, जब हमें असेसमेंट ये होता है ये फोन में नहीं हो सकता तो उसे हम ओपीडी बुला लेते हैं, ओपीडी बुलाने के बाद उसकी उसको एसेस करने के बाद जो भी उपचार की जरूरत होती है, जो भी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है हम लोग देते हैं। दूसरा सेमी इमरजेंसी ओपीडी भी चल रही है, जैसे भी जैसे कोई भी मरीज आता है जिसको जो हमें लगता है कि जो दूसरी बीमारी की, मैं कोविड की नहीं बात कर रहा हूँ, कि वो दूसरी बीमारी से कोई भी जैसे डेंगू है या हुआ या मलेरिया हुआ या ट्यूबरक्लोसिस हुआ या कोई हड्डी टूट गई आते हैं सेमी इमरजेंसी में, जिसको हम लोग जांच करते हैं, पहले कोविड का जांच करते हैं, उसके बाद अगर कोविड निकलता भी तो भी इलाज होती है, और कोविड नहीं निकलता है तो भी उसकी इलाज हो जाती है, डिफरेंट अलग अलग ओटी में हम लोग उसके काम कर लेते हैं, अलग अलग जगह उसको करते हैं, तो उसी चीज को भी हम लोग लेके चल रहे हैं। इस बीच जो हम देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में लोगों को होम क्वारंटीन की सलाह दी जा रही है, इसके बारे में कहा जा रहा है, जो लोग होम क्वारंटीन किए जा रहे हैं उनके लिए आप क्या कुछ कह सकते हैं? देखिए मैं एक बात, थैंक यू फॉर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए होम क्वारंटीन का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, होम क्वारंटीन का मतलब ये नहीं कि आप घर में बैठ जाएं और इंतजार करें कि सिचुएशन हाथ से निकल जाए, बहुत ज्यादा जब खराब होगा तबीयत, जब सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, ऑक्सीजन सैचुरेशन आपके 80s में गिर जाएगा, तब आप जाके हॉस्पिटल में, नहीं, होम क्वारंटीन का मतलब है कि फीवर हो रहा है, फीवर के लिए जो आप अपना दवा लीजिए, जो नॉर्मल दवा है आप टेली ऑक्सीजन से कंसल्ट करके दवा लीजिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन आप अपना देखते रहें, जिस वक्त आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो कि 98 नॉर्मल होता है, आपको लगता है कि 95 से बिलो गिर रहा है, आप समझ लीजिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, उसी वक्त आपको हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट करना चाहिए, हॉस्पिटल में आना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि जैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रहा है कि इसका मतलब है लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, अगर जब लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो हम लोग जल्द से जल्द उसका सीटी स्कैन या एक्सरे करते हैं, और अगर हमें लंग्स में मिल जाता है कि उसमें प्रॉब्लम है तो अगर तुरंत उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन दी जाए या प्लाज्मा थेरेपी दी जाए, दैट इज द अर्ली स्टेज में ये पेशेंट 100% रिकवर कर रही है। लेकिन होम क्वारंटीन में हो क्या रहा है कि लोग मैंने इंतजार कर रहे हैं कि जब तक मुझे सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी, जब सिचुएशन हाथ से निकलेगी नहीं तब तक हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रही है मामला। अब इस बीच परवेज हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा भी जुड़े हुए बुलंदशहर से, वो एक बात बता रहे थे कि भाई किसी मरीज को जो है टाइफाइड था, किसी को मलेरिया था, लेकिन इनकी भी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ रही है, ये भी कई जगहों पे देखने को मिल रहा है लेकिन उन्हें कोरोना नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए कोरोना पहले बात तो देखिए 80% कोरोना पेशेंट्स जो हैं, आपने देखा होगा अभी आईसीएमआर जो कि सीरोलॉजी सर्वे से पता चला कि 40% जितना हमारे पास डाटा है आपको जो भी लाख जो भी है उससे 40% डाटा कोरोना पॉजिटिव थे बिना कोई सिम्टम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, तो हम ट्रीटमेंट उसका करेंगे मलेरिया टाइफाइड का भी करेंगे, लेकिन जब ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उसको एक स्पेशल प्रिकॉशन के साथ करेंगे ताकि वो डॉक्टर उसे इन्फेक्ट ना हो। जो स्पेसिफिसिटी है, जो स्पेसिफिसिटी है, वो 70% है।
आपकी आरटीपीसीआर जो टेस्ट होती है, तो 30% अभी भी ऐसे टेस्ट होंगे जो शायद कोरोना नहीं होंगे और वो दिखा दिए जाएंगे। ये मशीन की एक फ्लॉ है कि सेंसिटिविटी 100% नहीं है इसकी, तो ऐसे 30% ऐसे जरूर होंगे जो हम लोग मिस करेंगे या जो नहीं होंगे वो गलती से आ जाएंगे। इसीलिए इसलिए कहा जाता है कि अगर एक बार आ रहा है तो आप उसको रिपीट भी कराएं अगर नेगेटिव आ रहा है आपको लग रहा है। ठीक है परवेज, मैं आपके पास आऊंगा। राम भवन एक दर्शक इस बीच कानपुर से हमारे साथ हैं। राम जी अपनी बात को पूछें। डॉक्टर साहब हेलो जी, बोलिए, मैं आपका सवाल पूछ लूंगा, बोलिए। डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, होम क्वारंटाइन के लिए डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जब सांस लेने में तकलीफ हो तो उसके लिए अपने पास पल्स चेक करने की मशीन रखे, वो रखे। अब ये बताइए जब होम क्वारंटाइन आदमी रहेगा, ठीक है ना, दवा खा रहा, सारी चीजें कर रहा, जब तक उसकी सांस तेजी से नहीं फूलेगी तब तक तो डॉक्टर के पास पहुंचेगा ही नहीं। और फिर मैं पढ़ रहा हूँ, न्यूज पे देख रहा हूँ, DSBM मेडिकल कॉलेज के हैं डॉक्टर साहब ने हाईलाइट के, वो डॉक्टर साहब वहीं जाकर के देख लें, चाहे फ्लू ओपीडी में देख लें, चाहे कहीं पे भी अपने हॉस्पिटल में ही देख लें कि क्या स्थिति है, हमको खुद ही मालूम हो जाएगी। परवेज जी अगर आपने सवाल सुना हो तो बताएं, जवाब दें। ये सवाल जो था, एक तो होम क्वारंटाइन के बारे में जो कह रहे थे ना वो, कि माने अगर होम क्वारंटाइन में जब सिचुएशन खराब होगा तो वही वो हॉस्पिटल आएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ होम क्वारंटाइन में आप जब रह रहे हैं तो जो बेसिक मेडिसिन है कि एक एंटीबायोटिक ले ले रहे हैं, विटामिन सी ले ले रहे हैं, आप अपना जो फीवर क्लिनिक को दवा ले ले रहे हैं, और ऑक्सीजन सैचुरेशन एक पल्स ऑक्सीमीटर आता है जो कि बहुत ही सस्ता होता है, मुश्किल से 1000 रुपए में मिल जाता है या 800-1000 रुपए मिल जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर आप लेके अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन नापते रहें, और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है तो आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन सैचुरेशन जो कि 98 होना चाहिए नॉर्मल, 98 से अगर 95 से नीचे गिर रहा है इसका मतलब है कि आप सीरियस कंडीशन में जा रहे हैं। ये वो टाइम है जहां आपको स्पेशलाइज केयर की जरूरत है, जहां आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, जहां आपको ऑक्सीजन लगने की जरूरत है, जहां आपको रेमडेसिविर लगने की जरूरत है या प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत है, ये वो टाइम है। परवेज जी फिलहाल वक्त की बहुत कमी, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज जी हमसे जुड़ने के लिए। ऋषि सेंगर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल मीणा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के और तमाम जानकारी देने के लिए, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है, देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं इस बीच डॉक्टर परवेज जिन्होंने होम क्वारंटीन के बारे में अच्छी जानकारी दी जिसको आपको समझने की जरूरत है। फिलहाल सुबह बोलेगा मेरे ताई, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।